IBN 7 Hausla hai. Date of poll, the 7th February, Saturday. Date of counting, 10th February, Tuesday. और इस ऐलान के साथ ही दिल्ली के चुनावी रण का बिगुल बज गया है। जनवरी की ठंड में सियासी सरगर्मी बस घुलने को है। 70 सीटों पर शूरवीर एक दूसरे से टकराने को तैयार हैं। दिल्ली चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। दिल्ली में 7 फरवरी को मतदान होगा। नतीजे दो दिन बाद यानी 10 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजधानी दिल्ली में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। उधर दिल्ली की चुनावी रणभूमि में जीत की दावेदारी भी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल 100% भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, हमको इसके बारे में कोई भी संदेह नहीं। कांग्रेस में भी चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठकों का सिलसिला तेज हो गया है। पूरी तरह तैयार है, हमारी खूब बैठकें होनी है, ब्लॉक की मीटिंग, जिलों की मीटिंग, पदयात्राएं, जो हमारे अध्यक्ष हैं वो बहुत काम कर रहे हैं। अगले एक घंटे में हम आपको दिल्ली की एक एक सीट का हाल बताएंगे, दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट और क्या है उस विधानसभा के मुद्दे। आपको 60 मिनट में मिलेगी 70 सीटों की पूरी रिपोर्ट। और इस वक्त मैं मौजूद हूं करोल बाग कॉन्स्टिट्यूएंसी में। जी हां, और मैं प्रतीक त्रिवेदी और तमाम जनता यहां पर मौजूद। सवाल इस बात का सबसे पहले कि अब तो चुनाव में कोई देर नहीं, 7 फरवरी को चुनाव है, 10 को परिणाम आ जाएगा। लगता है वो मुद्दे एक बार फिर से हम रिफ्रेश करना चाहेंगे, बड़े मुद्दे वो कौन से रहने वाले, जल्दी जल्दी मैं सबसे लोग से पूछना चाहूंगा। देखिए, वही सबसे पहली बात वही आती है घूम फिर के, कि सबका विकास सबका साथ। आज यही चाहता है आदमी, मोदी जी क्या जो बीजेपी इसीलिए आई है सत्ता में और दिल्ली में भी इसी नाम पर आएगी कि वो सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी चीज है। ये सब बहुत जरूरी चीज़ है। जी मारूं जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली में क्या रहने वाला है। सबसे बड़ा मुद्दा खुद स्वयं मोदी है और मोदी जी की चाहत के अंदर सिर्फ आपको लगता है ये नारा, मैं ये जो ये बात आपने कही, मैं ये सबके बीच में रखना चाहता हूँ कि मोदी जी की बात पर, मतलब मोदी जी का जो बात है उससे वैतरणी पार हो जाएगी, नाव पार हो जाएगी बीजेपी की, लगता है आपको? जरूर सर। हाँ जी, 101% सर, जैसा पिछले उसमें हुआ यहाँ भी हो सकता है। जी सर, लगता है बिल्कुल। दूसरे राज्यों में हुआ यहाँ भी, जो भाजपा ने अदर स्टेट में प्रदर्शन किया है मोदी जी के नेतृत्व में, वो दिल्ली में भी होगा और मुझे लगता है कि पूर्ण। लेकिन अगर मोदी जी का भाषण देखा जाए तो उसमें एक खास बात है, उन्होंने आम आदमी पार्टी का नाम तो नहीं लिया लेकिन उसको सामने रखा, कांग्रेस को बाहर कर दिया, यानी बगैर लड़े ही कांग्रेस बाहर। लगता है कांग्रेस यहाँ पे इस तरह से जी है? जी बिल्कुल, बाहर है, बाहर है, कोई भी कैंडिडेट नहीं। आप एक बात सोचिए कि 15 साल की बात करते हैं, वो घमंडी भाषा शीला दीक्षित की, जिसने कांग्रेस को डुबो दिया, आज शीला दीक्षित खुद चुनाव से बाहर क्यों बैठी है? आज पूछा जाए आपको, आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि कांग्रेस बाहर है? देखिए जी, अगर मैं सिंसियरली बोलूं तो कोई भी पार्टी जब आती है तो उस पर लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं। अगर वो परफॉर्म करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो लोगों के पास अल्टरनेट है। अल्टरनेट है, yes. यानी आपको कहीं ना कहीं कुछ काम करके दिखाना पड़ेगा। यस, ऐसा नहीं है कि आप बोले जाएं और सब ठीक हो जाए, ऐसा नहीं, कभी भी नहीं होता किसी भी कंट्री में, तो यू हैव टू परफॉर्म। जी, करके दिखाएंगे सर। अभी लोग जो कह रहे हैं ना, लोग कहते हैं क्या कि मोदी जी ने कहा था कि काला धन वापसी लाएंगे, लाएंगे, समय तो दीजिए मेरे भाई, थोड़ा मौका तो दीजिए यार। 35 साल उन्होंने 100 दिन पूरा, नो, मोदी जी ने खुद कहा था कि मैं 100 दिन में काला धन लेके आऊंगा। उनको ना कांग्रेस ने चैलेंज किया था, ना आम आदमी पार्टी ने ये कहा था कि 100 दिन में लेके आओ, तब मानेंगे हम आपको। तीन स्टेट का उदाहरण अपने आप में एक बहुत बड़ी बात नहीं है? हरियाणा के अंदर, बहरहाल ये यहाँ पर पहाड़गंज के इस फुटपाथ पर बहस तेज है। लेकिन हमारे संवाददाता रवि सिंह मौजूद है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हम उनके पास चलेंगे, जानेंगे वहां पे क्या है लोगों का कहना। रवि सिंह के पास चलते हैं। देखिए प्रतीक, मैं तिलक नगर में हूं और यहां पर लोग जो है, आम लोग यहां पर खड़े हैं और काफी लंबे समय से दिल्ली चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार कर रहे थे। ये बताइए कि कितना ज्यादा आप जो है ऐलान का इंतजार कर रहे थे? हमें तो 6 महीने हो गए कब इंतजार कर रहे, कब इलेक्शन हो और कब हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट आए दोबारा और आगे दिल्ली के अंदर कुछ काम करके दे। ये एक चीज बताइए कि ये किन किन मुद्दों पे आप जो है इस बार वोट डालने जाएंगी? सर ऐसा है, सबसे पहले तो हमें महंगाई के मुद्दे पर है, क्योंकि लेडीज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है महंगाई का,
क्योंकि उसे सस्ती चीजें नहीं मिलेंगी तो वो अपने परिवार को कैसे चलाएगी, ठीक है ना। अगर हम सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा तो बिल्कुल सबसे ज्यादा जरूरी है, मस्ट है, वो तो लेडीज के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है। आजकल का जो माहौल है, जिस तरह से आजकल चल रहा है, उस हिसाब से तो लेडीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको लगता है कि चुनी हुई सरकार नहीं है उसकी वजह से तमाम जो है दिक्कतें हैं? हमें तो बहुत दिख रही है अपने विधानसभा क्षेत्र तिलकनगर में। एक तो कैटेगरी की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और दूसरा ये है कि ऐसी सरकार हमें चाहिए जो बच्चों को रोजगार दे और डेवलपमेंट करे। जी, बिजली, पानी, सड़क या फिर पार्क या पार्किंग, तमाम ऐसे मुद्दे हैं दिल्ली में चुनाव लड़े जाते हैं। आपको लगता है कि इन इलाकों में इनमें से कोई दिक्कत है? पार्क बिल्कुल नहीं है, और जबकि डी कैटेगरी दे रखी है और एफ कैटेगरी दे रखी है सुभाष नगर को, जबकि वहाँ पूरी फैसिलिटीज है। और यहाँ महंगाई का इतना ज्यादा मुद्दा है, साथ में केजरीवाल जी ने जो 49 दिन में काम इतना बड़ा किया है, 3 साल दिल्ली को पीछे कर दिया, 49 दिन में उन्होंने जितना पैसा दिल्ली का था सारा दे दिया बिजली को जी। और मतलब इसका मतलब जो बिजली के दाम घटाए थे वो गलत था, वो गलत, बहुत गलत था, उसको 3 साल पीछे कर दिया दिल्ली को। 3 साल जितने ये हमारे प्रोजेक्ट थे दिल्ली के, जितने फ्लाई ओवर थे, जितने ये दिल्ली जल बोर्ड में पैसा देना था, जितना बिजली को देना था, एक पैसा नहीं दिया इन्होंने, एक बजट रिवाइज उसी बिजली के नाम पे वोट मांग रहे और 3 साल पीछे करने के बाद ना तो बजट रिवाइज कराया इन्होंने, ना दिल्ली का बजट पेश करवाया। अगर ये करवा जाते तो इनकी बच जाता है। देखिए, इन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है कि जिस तरीके से बिजली की सब्सिडी के मैटर पे, उसी मुद्दे पर जो आम आदमी पार्टी वोट मांग रही है और लोगों से कह रही है कि वो जो बिजली के दाम आधे कर दिए थे और उसी मुद्दे पर जो लोग वोट दें, लेकिन इनका कहना है कि सीधे उसकी वजह से दिल्ली जो है 3 साल पीछे चली गई है। जी रवि, और जिस तरह से बात कर रहे थे कि सब्सिडी के बारे में बात कर रहे थे, हमारे साथ दो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। आरती मेहरा हमारे साथ, बीजेपी की वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गई हैं, और पवन शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ हैं। आरती जी, बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली में, लगातार इस पर बात होती रही है। पिछले अगर हम बात करें रिफॉर्म से, तो लगभग 2001 से बाद से जो भी चुनाव हुए हैं दिल्ली में, उनमें बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। खासतौर से आपने कहा था, वादा किया था पिछली बार मैनिफेस्टो में, एक बीजेपी का एक अहम मुद्दा था, 30% बिजली के दामों में कमी की जाएगी। उस वादे को, उस पर अभी भी कायम है? और अगर है तो आपने सब्सिडी दी थी, कितना कुछ लगता है ये मुद्दा इस बार सेंटर स्टेज पर रहने वाला है? प्रतीक जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय में बोला है, उससे बढ़ के बोला है कि एक तो प्रोवाइडर्स को चॉइस करने का पूरा हक दिया जाएगा, जैसे मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को। ठीक उसी के अलावा बोला है कि 24 घंटे बिजली मिलेगी, जनरेटर फ्री दिल्ली होगी, और जैसे ही प्रोवाइडर्स को लाएंगे 30% बिजली को कम करके हम दिखाएंगे। इसके साथ साथ पानी का एक बहुत बड़ा विषय है, जिसको उन्होंने बोला कि सामंजस्य से सॉल्व किया जा सकता था, जो 15 साल में कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। हरियाणा और दिल्ली बैठ के इसको सॉल्व किया जा सकता है। झुग्गी फ्री दिल्ली की बात की कि झुग्गी को हटा के वहाँ पे पक्के मकान। आरती जी प्रतीक जी, ऑफ कोर्स आरती जी ये मुद्दे हैं, बिल्कुल हैं, ये तमाम मुद्दे हैं, जिसमें था कि स्लम्स के लिए फ्लैट्स बनाने की भी बात थी। लेकिन एक यहाँ पर RWS सदस्य खड़े हैं, वो सीधा सवाल आपसे पूछना चाहते हैं बिजली के मुद्दे पे। जरूर आरती जी, नमस्कार। नमस्कार आरती जी मेरा नाम गुरदीप सिंह है, मैं रेजिडेंस वेलफेयर से हूँ। मुझे आप ये बताइए कि आप भी बहुत मुद्दा उठाते थे कि बिजली की टैरिफ बहुत ज्यादा है और आप 30% दूर करेंगे, तो क्या आप सब कैटेगरी में करेंगे कि सब्सिडी देके करेंगे? अगर सब्सिडी देके करेंगे तो जनता पर आप बोझ डालेंगे। और दूसरी बात ये है, आप बहुत जोर जोर से कहती थी कि दिल्ली में बिजली के मीटर बहुत फास्ट हैं, क्या आप बिजली के मीटरों को आप फास्ट बदलेंगे? मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। पहला तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि कंपटीशन बताएंगे डिस्कॉम्स में, तो जिसके टेलीफोन के दर पे। लेकिन एक मुद्दा जो दूसरी बात आपने कही कि बिजली के जो मीटर्स हैं उनको लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं, उस पर क्या नीति रहेगी खासतौर से बीजेपी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सरकार में हम अपना चेहरा नरेंद्र मोदी जी को लेकर चल रहे हैं, जो विश्वसनीयता है, जिनकी प्रामाणिकता है, जो ईमानदार है, और 7 से 8 महीने में उन्होंने प्रूफ किया है देश की लगभग 61 से 63% और दिल्ली की 65% जनता ये कह रही है कि हमें नरेंद्र मोदी जी का काम पसंद आ रहा है, वो सेंसिटिविटी से
संवेदनाओं के साथ काम कर रहे हैं और देश में काम हो रहा है उसी की तर्ज पे एक बेहतर तालमेल बना के दिल्ली की जनता को जो सुविधाएं देनी चाहिए, जो उनके कार्य होने चाहिए, चाहे बिजली का विषय हो, चाहे पानी का विषय हो, चाहे हमारी महिला सुरक्षा का विषय हो, अनऑथराइज कॉलोनीज का अभी हमने किया है, इसके साथ ही साथ झुग्गियों का एक बहुत बड़ा विषय है जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये काम देखने में छोटा लगता है लेकिन बहुत बड़ा काम है। ऑफ कोर्स आरती जी जी, और महंगाई ऑलरेडी प्रतीक जी महंगाई को ऑलरेडी महंगाई को कंट्रोल रसोई गैस कम की है, पेट्रोल डीजल पे लगाम लगाया है, सेंसेक्स जी आरती जी, आरती जी मैं जी आरती जी मैं पवन जी से जानना चाह रहा था कि पवन जी, आरती जी ने बात कही बिजली के मुद्दे पे, स्लम्स के मुद्दे पे, पानी के मुद्दे पे, एक छोटा रिएक्शन आपका जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी का नाम काफी है दिल्ली के लिए, पवन जी आपका रिएक्शन। प्रतीक जी सबसे पहले तो मैं बता दूं मैं पवन नहीं हूं, मैं आलोक शर्मा जी। आलोक शर्मा जी, तीन चार चीजें जो सामने आई हैं मैं उन पर सिलसिलेवार जवाब देना चाहूंगा। मैं मोदी जी और उनकी पार्टी के लोगों की तरह हवा में बातें नहीं करूंगा। इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था विधानसभा में कि 30% बिना सब्सिडी के हम दाम घटाएंगे, लेकिन कल मोदी जी ने परसों रैली में स्पष्ट कर दिया कि दाम वाम घटने की बात छोड़ दो, बाकी सब तमाम झुंझुने पकड़ा दिए, जो पिछले वाला था वो रख दो पिछली जेब में और नए झुंझुने पकड़ लो। उसके बाद आप देखिए कि दिल्ली के अंदर विकास बहुत हुआ है पिछले कुछ दिनों में, क्राइम 85% बढ़ गया है, नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स कहता है कि 4 रेप पर डे हो रहे हैं, पानी का प्रदूषण बढ़ गया है, यहां तक कि इन्होंने हवा को भी प्रदूषित करने से नहीं छोड़ा है। लेकिन पार्टी केजरीवाल और मोदी साहब, इनकी दो झूठ की फैक्ट्रियां चल रही हैं, एक कहता है मैं लाल किले के ऊपर कुतुब मीनार बनाऊंगा, दूसरा कहता है मैं कुतुब मीनार के ऊपर लाल किला बनाऊंगा, जमीन पर आकर कोई बात नहीं करता है। कॉरपोरेशन का भ्रष्टाचार मोदी साहब को नहीं नजर आता है, क्या हो रहा है महिला सुरक्षा के मामले में, वो वहां पर रामलीला पर वोट लीला कर रहे हैं और वसंत कुंज के अंदर रेप करके महिला को डाल दिया जाता है। आज भाषणों से काम नहीं चलेगा, दिल्ली की जनता पूछना चाहती है, दिल्ली की जनता ऐसा नहीं। देखिए आप मुद्दों पर रहिए, प्रासंगिक भी नहीं रहे आप, 8 से 4 बोल रहे थे। आरती जी देखिए आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला था, बीजेपी की हमेशा यही आदत है कि केवल बोलकर जनता को मुद्दों से भटका दो। यहाँ पर सड़क पर फुटपाथ पर मौजूद है, मुद्दों पर ही बात होगी, दरअसल कोई घालमेल नहीं होगा, मुद्दों पर ही बात होगी। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं, जनता यहाँ पर मौजूद है, सवाल करेगी, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए I-7। दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, चुनावी बिगुल बज चुका है और हमारे संवाददाताओं ने 70 विधानसभाओं का दौरा किया। इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के बिल्कुल बगल वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी करोल बाग में, और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है हमारे संवाददाता अरुण सिंह, जहां से पिछला चुनाव शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल ने लड़ा था। आइए चलते हैं अरुण सिंह के पास, जानते हैं वहां पर चौपाल का क्या है हाल। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, 7 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होगी, 10 फरवरी को काउंटिंग होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या इस बार स्थिर सरकार आएगी। गोल मार्केट के इलाके में हम हैं, नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी के बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। एक बात ये बताइए कि 7 फरवरी को अब ऐलान हो गया है कि दिल्ली में चुनाव होगा, इस बार कोई स्थिर सरकार आएगी, क्या जनता चुनेगी, क्या मूड है जनता का? इस बार तो जनता ही चुनेगी जो भी चुनेगी, क्योंकि जनता पहले धोखा खा चुकी है, अब दोबारा धोखा नहीं खाना चाहेगी। एक स्थिर सरकार चाहते हैं आप, ताकि देश में की जो का दिल है, दिल्ली जिसको कहते हैं, वहां पर विकास के कार्य हो सके, एक स्थिर सरकार बन सके। हर पब्लिक वही चाहती है इस टाइम कि स्थिर सरकार बने। एक साल से एक काम चल रहा है, अभी तक वैसा का वैसा पड़ा हुआ, वो देखिए आप पीछे घुमा के देखिए, वो देखिए या काम प्रॉपरली काम नहीं हो पा रहा, जो भी काम हो रहा प्रॉपरली काम नहीं हो पा रहा, प्रॉपरली काम नहीं हो रहा। आप ये बताइए, बहुत सालों से आप यहाँ रह रहे हैं, गोल मार्केट की समस्याएं जस की सफ़ है। पिछली बार जब हम आए थे यहाँ, जब हमने लोगों से बात की थी कि राजधानी है, यही बगल में कनॉट प्लेस है, गोल मार्केट है, लोगों ने कहा है कि राजधानी न बिजली मिलती है न पानी, किस बात की राजधानी? देखिए बिजली पानी की समस्या तो यहाँ रही है, बीच में काफ़ी सुधार हुआ था लेकिन उसका हल नहीं निकला। जो मेन मुद्दा इस वक्त ये है कि हम जनता जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनती है, अपने नेता को चुनती है, लेकिन जो पिछले इलेक्शंस में हालात हुए उसमें हमारी जनता की भी गलती है कि हमने जो है किसी को मैंडेट प्रॉपर दिया नहीं। देखिए स्थिर सरकार की बात हो रही, युवाओं पर बड़ा जोर है, कहा जा रहा है कि युवा देश की ताकत है, दिल्ली में माहौल युवाओं के पक्ष में है?
दिल्ली में माहौल तो युवाओं के पक्ष में सजा से ही रहा है और उन्हीं की वजह से जो है दिल्ली फल फूल रही है। तो बाकी जो अगर सरकार चाहती है तो काफ़ी कुछ दे सकती है युवाओं को, उनको और मौके दे सकती है नौकरियों में, नौकरियों के क्षेत्र में, और जो नए बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलते हैं उनको ट्रेनिंग भी ठीक से नहीं मिल पाती, और बाकी जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो उनसे पैसे वगैरह मांगे जाते हैं। युवाओं को ट्रेनिंग मुहैया कराई जाए कह रहे हैं, और यहाँ पे दुकानदार लोग बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर बिजनेस करते हैं लोग। आप ये बताइए कि क्या चाहते हैं आप लोग, जो भी सरकार जिसकी भी बने, जमीन पर क्या ऐसी चीजें हैं जो जरूरी हैं अभी तक नहीं हो पा रही हैं? जमीन पे क्या, सबसे जरूरी काम तो ये है कि आज के डेट में जो भी है, कहीं भी चले जाएं आप, कोई भी एरिया में चले जाएं, उसका न सड़क है ढंग से, ना कन्वेंस का कोई सिस्टम्स है, ठीक है, ये चीज़ तो जरूरी है। मेन मुद्दा तो अभी जो है इस जो पोजीशन खड़ी है दिल्ली के सरकार का, अब एक हर पब्लिक ये चाहता है कि एक स्टैब्लिश सरकार बने 5 साल के लिए, कोई सरकार बने, जनता को सुविधा मिले, स्थाई सरकार बने, सबसे बड़ी बात दिल्ली के लोगों का कहना स्थाई सरकार बने। और एक छोटा सवाल इनसे भी पूछे, प्राइस राइज की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, दिल्ली में महंगाई पर काबू अभी फिलहाल नहीं पाया जा रहा है, एक बार से फिर से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, कितनी मुश्किल सामने आ रही? सर मुश्किल तो सामने है ही, वो सारी पब्लिक जानती है, नेता लोग भी जानते हैं कि पब्लिक प्रॉब्लम है, तो इसके सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आया, चाहे कांग्रेस की आया, चाहे आम आदमी पार्टी की आए, और चाहे आपकी बीजेपी हो गई, कोई भी पार्टी हो, तो महंगाई रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कोई भी सरकार हो, महंगाई रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा बताइए, वोट देने जब आप जाते हैं इस बार क्या सोच के वोट देंगे, क्या आपके सामने है, क्या आप चाहते हैं? हमेशा सोच समझ के वोट देते हैं, अब नेता ही गलत निकल जाए तो दूसरी बात है, क्या करा जाए। हर आदमी ये चाहता है कि महंगाई कम हो और हालात अच्छे उभरें, युवा जितने भी होते हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं, महंगाई में जो है ना जुड़ रहे हैं, परेशान हो रहा है महंगाई से, सुनता नहीं है जनप्रतिनिधि जो है, और ये शिकायत जो है आम है यहाँ पर। लेकिन दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली के कनॉट प्लेस और गोल मार्केट के आसपास के जो लोग हैं, उनकी वही समस्याएं हैं, बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, पानी निकासी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, समस्याएं कई हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का एक स्पष्ट मानना है कि इस बार स्थिर सरकार देंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार देंगे, और उम्मीद ये कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान जो नई सरकार है वो करेगी। दिल्ली चुनाव पर हमारी खास कवरेज में आपका एक बार फिर स्वागत है, और इस वक्त मैं मौजूद हूं करोल बाग कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हम चलेंगे लाजपत नगर, जहां हमारे संवाददाता अमृत ने कुछ देर पहले वहां के लोगों से बातचीत की, लेकिन वहां जाऊं उससे पहले एक छोटा सा एक रिएक्शन आपसे जानना चाहेंगे, क्या अकलियतों का, मुस्लिम लोगों का झुकाव या कहें कि विश्वास बढ़ा है बीजेपी की तरफ, क्योंकि बार बार ये सवाल पूछा जाता है उनसे। मैं यही क्लियर करना चाहता हूं, अभी बीजेपी के लोगों ने, हालांकि मैं भी बीजेपी का समर्थन हूं, ये कहा कि मोदी का चेहरा सब कुछ है। मैं इस बात में एक बात और जोड़ता हूं, मोदी का चेहरा सब कुछ नहीं है, उनका जो नारा था सबका विकास सबका साथ, आज अगर मुसलमान को साथ लेके चल रहे हो, कांग्रेस ने मुसलमान के दम पे 55 साल हुकूमत की है, 56 साल हुकूमत की है, आज अगर बीजेपी या मोदी हुकूमत करना चाहते हैं तो उनको मुसलमान को साथ लेना पड़ेगा। सबके साथ का मतलब ये है कोई झगड़ा ना हो। गुजरात को मैंने देखा है, 2002 के बाद में 12 साल तक वहाँ कोई दंगा नहीं हुआ। आज हम ऐसा ही भारत देखना चाहते हैं, ऐसी ही दिल्ली देखना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर या पूरे भारत के अंदर कहीं हिंदू मुस्लिम विवाद ना हो, कोई झगड़ा ना हो, और सब एक साथ मिलजुल के प्यार मोहब्बत के साथ रहें। शुक्रिया राशिद भाई, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राशिद साहब बता रहे थे। मैं इस वक्त कुछ देर पहले जहां पे लाजपत नगर में हमारे संवाददाता अमृत ने बातचीत की वहां की चौपाल में जाएंगे, देखेंगे क्या कुछ कहना है लाजपत नगर के लोगों का। चलिए, दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस वक्त हमारे साथ कुछ दिल्ली वासी हैं, और जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त उनका दिल क्या कह रहा है। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, चुनाव का बिगुल बज चुका है, पहली डिमांड क्या होगी जिसको लेकर आप वोट करने जाएंगे? पहली डिमांड ये है कि महंगाई कम हो, और दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिक्योरिटी की, जो सिक्योरिटी आज भी नहीं है, उस सिक्योरिटी पे गवर्नमेंट को ज्यादा जोर देना चाहिए। लाजपत नगर में सर इस वक्त हमें है, आपने कई इलेक्शंस देखे होंगे, कई चुनाव देखे हैं, कई मुद्दे देखे होंगे, इस बार आपके नजरिए से पहला मुद्दे में प्राथमिकता क्या होगी? सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार, वो खत्म हो गया तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार। आपसे अगर हम जानना चाहें तो इस बार आपके लिए चुनाव में पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, पहली प्राथमिकता तो है कि डेवलपमेंट होना चाहिए,
विकास होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज जो है वो तेज गति से चले ताकि सभी लोगों का उसमें विकास हो, इकोनॉमी साउंड हो। और इसके अलावा जो मुद्दे जो बताए, भ्रष्टाचार का मुद्दा बताया, वो हालांकि सारी पार्टी कह रही है इसको कर्व करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी पार्टी आए वो इस चीज़ को जल्दी से जल्दी करे और सिर्फ वादे ही नहीं करे, वादों को क्रियान्वित भी करे। विकास की लगातार बातचीत हो रही है, इस विकास के बीच में मोदी फैक्टर का भी नाम निकल के सामने आ रहा है, लगता है ये फैक्टर आज इस बार दिल्ली इलेक्शन में काम आएगा? विकास का मोदी फैक्टर की मैं बात, बिल्कुल काम आएगा, बिल्कुल जीतेगी बीजेपी, फुल मेजोरिटी से जीतेगी। यानी इस बार आम आदमी पार्टी जो मुद्दा बना रही है उसके कोई सब बकवास है। सर आपसे मैं जाना चाहूंगा, साफ कहना कि आम आदमी पार्टी को इस बार विश्वास करने वाली जनता नहीं है, कोई विश्वास नहीं करे जा रही है, आपको लगता है सही या इनकी बातें? ये तो टाइम बताएगा भाई साहब, मैं ये बोल रहे ना, ये टाइम आएगा वो जी बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, आपके सामने आ जाएगी मेजोरिटी आ रही। सर महिला की सेफ्टी को लेकर भी कई सारे मुद्दे उठते रहे हैं कि आप मार्केट में, हम सेंट्रल मार्केट में कई सारी महिलाएं आती हैं जाती हैं, लेकिन जो दिल्ली में आए दिन हो रहा है इसको लेकर एज अ गार्जियन, एज अ सीनियर पर्सनैलिटी आपका नजरिया क्या, जो सरकार आने वाली है उससे आपकी डिमांड क्या होगी? ये सब खत्म होना चाहिए, जो भी जो चीज़ें बड़ी हैं दो तीन साल में बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो भी पार्टी आए सबसे पहले ये सिक्योरिटी का जो पर्टिकुलर लेडीज का सिक्योरिटी का, जो रेप कांड हो रहे थे वो आज भी हो रहे हैं, कहीं कुछ भी नहीं हुआ। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार की हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टेट में, केंद्र में रह गए भी, राज्य में कुछ ना कुछ तो बंदा कर ही सकता है ना। तो महिला सेफ्टी आप चलिए मान लेते हैं, अगर आम आदमी पार्टी भी चली आती है तो सेफ्टी आप क्या चाहती हैं, किस तरह से उम्मीदें रखती हैं सेफ्टी के लेकर? चाहते हैं कि लेडीज की सुरक्षा हो, महंगाई कम हो, सबसे मेन मुद्दा है कि आज के समय में लेडीज जरा भी सुरक्षित नहीं है कहीं पर भी। आपको लगता है कि इस बार जो सरकार बनेगी 5 साल के लिए कम से कम बननी चाहिए और 5 साल बने, वादे पूरे करें, अपने काम करना चाहिए, तो एक बार ये है कि मौका देते हैं किसी को कुछ करके दिखाए। तो आपने देखा कि खासतौर से मुद्दा बड़ा यह है कि स्थिर सरकार बने, पूरी सरकार बने और महिला सुरक्षा को लेकर एक अहम मुद्दा, हम तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम करोल बाग कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं, हमारे साथ वहाँ पर दो गेस्ट भी मौजूद हैं, यहाँ पर RWA के लोग पहाड़गंज के। आलोक जी से सवाल आप पूछना चाह रहे थे, बड़ी देर से आप प्रतीक्षा में थे, सीधा सवाल आलोक जी, ये सवाल सीधा यहाँ से RWA के पहाड़गंज से सवाल आना चाहता है, एक गुरदीप जी पूछना चाहते हैं, आरती जी से सवाल, बोलो छोटे छोटे सवाल जी। आनंद जी आप बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, मैं यहाँ देश की पूरी बात नहीं करना चाहूंगा, यहाँ बात करना चाहूंगा सिर्फ दिल्ली की, दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं, 15 साल आपने राज किया, क्या कारण है कि आज आप किसी स्पर्धा में नजर नहीं आ रहे, कहीं आपका नाम नहीं लिया जा रहा, यहाँ तक कंडीशन है कि कोई भी कैंडिडेट आपकी टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा, ऐसी स्थिति क्यों? आलोक जी इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल रिएक्ट करना चाहूंगा मैं प्रतीक। देखिए 3 प्रश्न मेरे भाई ने पूछे हैं, उन्होंने कहा कि कोई टिकट नहीं लड़ना चाहता, कांग्रेस पार्टी के अंदर पूरा घमासान मचा हुआ टिकटों के लिए, 1100 से ज्यादा लोगों ने टिकट मांगे हैं, पहला जवाब। दूसरा उन्होंने कहा कि रेस में नहीं है, आज ही दिल्ली कंटोनमेंट का रिजल्ट आया है, आम आदमी पार्टी से ऑलमोस्ट डबल वोट लिए हैं हमने, उनकी 1 सीट आई है, हमारी 2 सीट आई है और 3 सीटों पर हम बहुत क्लोज मार्जिन से हारे हैं। आज वाराणसी के अंदर बीजेपी की सातों सीटें कंटोनमेंट बोर्ड की हारी हैं, तो अभी आने वाला समय बताएगा कौन रेस में है कौन रेस में नहीं है। जी आलोक जी उनका कहना है कि समय बताएगा कौन रेस में है कौन रेस में, उनका कहना है कि भाई हम बराबर बराबर कैंट में लड़े हैं, हमारा वोट मार्जिन बढ़ा है, उनका कहना है आलोक जी। नहीं, फिर ये क्या कारण रहा 15 साल सत्ता में मुख्यमंत्री रहने के बावजूद शीला दीक्षित आज की डेट में अपने आप को इस चुनाव से पूरा बाहर रखना चाहते हैं? ये तो पार्टी का डिसीजन हो सकता है, पार्टी का डिसीजन क्या, उन्होंने खुद कहा पार्टी के लोग इस बात पे लड़ाई कर रहे हैं, पार्टी का डिसीजन हो सकता है वो। मैं कुलदीप जी का एक सवाल है जो की आरती जी से पूछना चाह रहे हैं। आरती जी मैं दोबारा आपके पास हूँ, मैंने बिजली की बात करी, अब मैं पानी की बात आपसे कर रहा हूँ। देखिए पानी का बिल, जो पानी हम कंज्यूम करते हैं वो 100 रुपए का आता है, उस पर टैक्स 500 रुपए का होता है, कब अगर आपकी सरकार आएगी तो आप जो 500 रुपए को अबॉलिश करेंगी, ये इसका भी जवाब दीजिए। जो टैक्स है आप अबॉलिश करेंगे? आरती जी RWA का एक सवाल है सीधा आपसे पूछा गया कि क्या आपकी पार्टी अगर आई वापस तो टैक्स का जो पोर्शन है उसको अबॉलिश करेंगे, खत्म करेंगे जल बोर्ड का? प्रतीक जी जल्द ही हम अपना मैनिफेस्टो लेके आएंगे, एक एक चीज क्लैरिटी से सामने रखेंगे, मैं दूसरी पार्टी की तरह से झूठ परोसना नहीं चाहती, गुमराह करना नहीं चाहती,
लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने रामलीला मैदान पे खड़े होके कहा, आतिश जी जवाब पानी है, नहीं नहीं पानी आप देखिए पानी में 15% बड़ा आम आदमी पार्टी के कारण, आम आदमी पार्टी 666 लीटर का जो झूठा वो दिखाया, एक सेक्टर आप दे रहे हो मिडिल क्लास पे, आप उसका बोझ डालते जा रहे हो, आफ्टर ऑल सब्सिडी जो दे रहे हो वो भी जनता का पैसा है, मिडिल क्लास का है, अपर मिडिल क्लास का है, हाई क्लास का है, जो कि 95 लाख लोग हैं, आप नीचे देते जाएंगे सब्सिडी, आप कंपनीज को टाइट करिए ना, आप कंपटीशन क्रिएट करिए ना, आप सिस्टम को ठीक करिए, आप ऐसे इवॉल्व करें, आप कंपनियों का फायदा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी की पूरी सब्सिडी दी आम आदमी पार्टी ने रिलायंस को, तमाम बातें तो इसलिए देखिए। और मैं प्रतीक की एक बात कहना चाहूंगी कि आज ट्रेलर जनता ने दिखा दिया है दिल्ली कैंट में, दिल्ली कैंट में ठीक इसी तरीके से हम क्लोज टू मिशन की पहुंचेंगे इसी जनता के सहयोग से। आरती जी, प्रतीक जी मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, ऑफ कोर्स आरती जी आपकी बात है, मैंने सुनी आपकी बात, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि तमाम लोग ये जानना चाह रहे थे कि वो जो सब्सिडी का पोर्शन है वो, और जो खासतौर से वो जो टैक्स का पोर्शन है, एक्चुअली टैक्स का पोर्शन है, उस पर क्या क्या आपकी पार्टी का स्टैंड होगा, वो ये जानना चाह रहे थे। अगर हम बता दें तिलक नगर में हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है और वो वहां की चौपाल में मौजूद है जी, बिल्कुल मैनिफेस्टो, हम मैनिफेस्टो पर भी बात करेंगे, हम मैनिफेस्टो तीनों पार्टी की मैनिफेस्टो पर भी बात करेंगे, लेकिन हम तिलक नगर चलना चाहेंगे, वहां हमारे संवाददाता रवि सिंह इस वक्त मौजूद हैं चौपाल में, वहां क्या कुछ कहना है लोगों का देखेंगे, आइए चलते हैं। यहां पर लोग जो है आम लोग यहां पर खड़े हैं और काफी लंबे समय से दिल्ली चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार कर रहे थे, ये बताइए कि कितना ज्यादा आप जो है ऐलान का इंतजार कर रहे थे? हमें तो 6 महीने हो गए कब इंतजार कर रहे, कब इलेक्शन हो और कब हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट आए दोबारा और आगे दिल्ली के अंदर कुछ काम करके देखे। ये एक चीज बताइए कि ये किन किन मुद्दों पे आप जो है इस बार वोट डालने जाएंगी? सर ऐसा है, सबसे पहले तो हमें महंगाई के मुद्दे पर है क्योंकि लेडीज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है महंगाई का, क्योंकि उसे सस्ती चीजें नहीं मिलेंगी तो वो अपने परिवार को कैसे चलाएगी। आपको लगता है कि चुनी हुई सरकार नहीं है उसकी वजह से तमाम जो है दिक्कतें हैं? हमें तो बहुत दिख रही है अपने विधानसभा क्षेत्र तिलक नगर में, एक तो कैटेगरी की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और दूसरा ये है कि ऐसी सरकार हमें चाहिए जो बच्चों को रोजगार दे और डेवलपमेंट करे। जी, बिजली पानी सड़क या फिर पार्क या पार्किंग तमाम ऐसे मुद्दे हैं दिल्ली में चुनाव लड़े जाते हैं, आपको लगता है कि इन इलाकों में इनमें से कोई दिक्कत है? पार्क बिल्कुल नहीं है और जबकि डी कैटेगरी दे रखी है और एफ कैटेगरी दे रखी है सुभाष नगर को, जबकि वहाँ पूरी फैसिलिटीज है और यहाँ महंगाई का इतना ज्यादा मुद्दा है, साथ में केजरीवाल जी ने जो 49 दिन में काम इतना बड़ा किया है, 3 साल दिल्ली को पीछे कर दिया, 49 दिन में उन्होंने जितना पैसा दिल्ली का था सारा दे दिया बिजली को जी। और मतलब इसका मतलब जो बिजली के दाम घटाए थे वो गलत था, वो गलत, बहुत गलत था, उसको 3 साल पीछे कर दिया दिल्ली को, 3 साल जितने ये हमारे प्रोजेक्ट थे दिल्ली के, जितने फ्लाईओवर थे, जितने ये दिल्ली जल बोर्ड में पैसा देना था, जितना बिजली को देना था, एक पैसा नहीं दिया इन्होंने। देखिए, इन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है कि जिस तरीके से बिजली की सब्सिडी के मैटर पे उसी मुद्दे पर जो आम आदमी पार्टी वोट मांग रही है और लोगों से कह रही है कि वो जो बिजली के दाम आधे कर दिए थे और उसी मुद्दे पर जो लोग वोट दें, लेकिन इनका कहना है कि सीधे उसकी वजह से दिल्ली जो है 3 साल पीछे चली गई है। जी रवि बिल्कुल, और ये जब जनता बोलती है तो बेहद खरा बोलती है और साफ बोलती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे, मौजूद हैं करोल बाग में और ये कार्यक्रम जारी रहेगा, बने रहिए, देखते रहिए IPN7। दिल्ली चुनाव पर इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर स्वागत है और इस वक्त हम मौजूद हैं करोल बाग कॉन्स्टिट्यूएंसी में। जी हाँ, 6 से 7 हम रोज आपसे बात करते हैं, RWS के लोग तमाम अपनी बात दिल्ली की कहते हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में 2 वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, आरती मेहरा बीजेपी से और आलोक शर्मा कांग्रेस से। RW पहाड़गंज के लोग भी हमारे साथ मौजूद, पहाड़गंज RW से कुछ सवाल जो कि किसे पूछना चाहते हैं आप? आलोक शर्मा से तो सीधा सवाल आलोक शर्मा जी से। जी, सवाल पूछिए। आलोक जी नमस्कार। मेरा नाम रोहित राजपूत है जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ
कि अभी पता चला है कि कांग्रेस की पार्टी में मिलता जुलता सवाल है मेरे अरुण गुप्ता जी से, जो अभी अरुण भैया ने आपसे पूछा था कि रायत जैन जी भी लड़ना नहीं चाह रहे आपकी पार्टी से और मदन खोरवाल जी भी लड़ना नहीं चाह रहे हैं, आज जबरदस्ती उनको टिकट दे रहा है, तो भाई साहब थोड़ा सोच समझ के थोड़ी जानकारी आप रख लीजिए, क्योंकि दो बार खोरवाल जी इलेक्शन हार चुके अपनी मर्जी से आ रहे थे, अब तीसरी बार आप उनको जबरदस्ती टिकट देके मानना चाहते हैं, तो भाई साहब ना करिए। लेकिन पर्सनल सवाल, बहुत पर्सनल सवाल मैं आपसे कहूंगा, बचना चाहिए आपको, बचना चाहिए। मैं आलोक जी क्या जवाब देना चाहेंगे आप इसका? मैं केवल इतना कहना, आलोक जी जवाब देना चाहते हैं? मैं केवल इतना कहना चाहूंगा उनकी निजी कहीं ना कहीं व्यथा है जिसका वो व्यक्त कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, मैं आपसे सहमत हूं अगर ये बात है, क्योंकि चुनाव वितरण पार्टी का अपना अपना कार्य है। जी आलोक शर्मा जी से मेरा एक सवाल है। आलोक जी से ही? आलोक शर्मा जी मुझे ये बताइए, 15 साल में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने 15 साल में इस दिल्ली की जनता को क्या दिया? आप मुझे स्पष्ट रूप से इसको बताइए, क्या आप महंगाई को रोक पाए? आप क्या भ्रष्टाचार को रोक पाए? क्या आप महिलाओं को सुरक्षा दे पाए? क्या आप कानून व्यवस्था इस सरकार ने जो 15 साल तक रही? आलोक जी, आलोक जी आपके लिए सवाल है। जी देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि अब हम विपक्ष में हैं, ये सवाल अगर आज बीजेपी से पूछे जाए तो बेहतर रहता, लेकिन फिर भी मैं उत्तर देना चाहूंगा। 15 वर्षों में हमने कभी दिल्ली को रेप कैपिटल डिक्लेयर करने की कोशिश नहीं की। 15 साल बनाम 7 महीने की बात है, मैं वही कहना चाहता हूँ, 7 महीने में क्या हुआ? आज देखिए क्राइम रेट जो है वो 85% बढ़ गया है। मोदी जी से पूछिए ना इस सवाल के, क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है? मोदी जी वहाँ पर रामलीला मैदान में वोट मांग रहे हैं और वहाँ पर महिलाओं का रेप हो रहा है। मोदी जी ने रोहिणी की रैली में कहा था कि जब आप वोट डालने जाएं तो निर्भया का केस ध्यान रखिएगा। अब मोदी जी को याद नहीं आ रहा है कि आए दिन 5 निर्भयाओं का रेप हो रहा है? दूसरा, उन्होंने महंगाई की बात कही, हमने तो महंगाई को बहुत कंट्रोल में रखा, इसके बावजूद मैं बीजेपी के तुम्हारा कुर्ता मेरे कुर्ते से ज्यादा सफेद क्यों? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आंकड़े अगर मीडिया चैनल नहीं सुनना चाहता है तो जनता के पास गलत पिक्चर जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 15 साल के लिए सवाल पूछा गया है। 15 साल में हमने 125 फ्लाईओवर दिए, मेट्रो दी, हमने दिल्ली की तस्वीर बदल दी। आप बताइए आपने क्या किया 7 महीने में? आपने तो दिल्ली का नाम तक नहीं लिया, आपने तो महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को, महंगाई के मुद्दों को रामलीला ग्राउंड से एड्रेस तक नहीं किया आपने तो। जी प्रतीक जी, प्रतीक जी इनकी तो आरती जी आप रिएक्ट करना चाहेंगी? आरती जी हाँ, मैं बिल्कुल रिएक्ट करना चाहूंगी। प्रतीक जी मैं ये कहना चाहूंगी कि कॉमनवेल्थ के घोटालों से लेके, आपके 7 महीने से आपकी सरकार है, आपने कॉमनवेल्थ के घोटाले को क्यों नहीं उजागर किया? आपके पास अगर सबूत थे तो आपने शीला जी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? केवल आरोप लगाएं और घर चले जाएं। राजनीति नहीं, आपका कॉरपोरेशन का भ्रष्टाचार नजर नहीं आता? राजनीति कोई सकारात्मक, आपका टोटल नेगेटिव एजेंडा होता है। राजनीति नहीं कर रहे, आप केवल लोगों को गुमराह करते हैं। आप झूठ की फैक्ट्रियां चलाते हैं दोनों, लेकिन दोनों की झूठ की फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया इस बार। प्रतीक जी, एक को बोलने का ब्लास्ट तो इनका भी, देखिए कैसा ब्लास्ट होने वाला है कि 8 से ये 4 भी बचा पाए तो ये तो समय बताएगा। कैंटोनमेंट बोर्ड 8 में से 2 आ रहे हैं, अभी आने दीजिए समय। समय बताएगा, दिल्ली की जनता बताएगी कि एक तरफ वो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं आने वाले चुनाव में। जी बिल्कुल आरती जी, आरती जी मुझे मालूम है ये तमाम मुद्दे आने वाले समय में बार बार उठेंगे, बार बार पूछे जाएंगे, लेकिन IBN 7 एक बात आपसे खासतौर से दिल्ली वालों से कहना चाहता है कि जी हाँ, मतदान करने जरूर जाइएगा 7 तारीख को एक अपील के साथ। लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते रहिए IBN 7।